कि मुसलमान बाहर से आया हुआ है, तो हमें जरा आप अपना भी खुद का भी तो प्रूफ दे दो, आप कहाँ से आए हुए हो। 1857 की क्रांति में तो आपका कोई योगदान ही नहीं था, अगर है तो मुझे बताइए कहाँ योगदान है आपका। इस देश के मुसलमानों का, इस देश के बहुजनों का, उनका ही योगदान रहा है। नमस्कार, आज हम लोग हैं ग्रेटर नोएडा में और हमारे साथ युवा नेता हैं जो प्रिंस प्रभाकर हैं, जो अपनी आवाज़ और अपने क्रांतिकारी विचारों से हमेशा ओजस्वी विचारों के साथ हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। प्रिंस जी, अभी बताया जा रहा है जो NRC है या CA है वो ख़त्म कर दिया गया है, और देश के प्रधानमंत्री ने भी बोला है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है कि अब देश के लोगों को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? तो प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए था कि ये बात तो अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर बोली थी। जी, पार्लियामेंट के अंदर बोली थी लागू किया जाएगा, NRC लागू किया जाएगा, कैब लागू किया जाएगा। जी, और उन्होंने दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था तो उसमें भी बोला था। अब अगर वो ख़त्म करने की बात करें तो बहुत बड़ा ये मजाक है ना, एक समाज के साथ में मजाक है। जी, उन लोगों के साथ में मजाक है जिन लोगों के लिए प्रूफ मांगते हैं। ये 1971 से पहले का ये लोग प्रूफ मांगते हैं, तो ज़रा अपनी डिग्री भी तो दिखाएं, समाज तो उनका भी मांगता है ना प्रूफ, उनको भी एक बार प्रूफ दे दिया जाए तो बेहतर रहेगा। अगर ये कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली की मीटिंग में मैंने सुना था थोड़ा सा भाषण, ज़्यादा तो नहीं सुना, कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है, तो ख़त्म जब तुमने लागू ही क्यों किया था ये, जब ख़त्म ही कर दिया गया तो हमें तो लगता नहीं है ये ख़त्म भी कर दिया गया है। और इतने के बावजूद इनको नहीं पता कि सरकारी संपत्ति कितनी क्षति हुई है, समाज को कितना नुकसान हुआ है। हकीकत तो ये भी है ना, समाज को भी नुकसान हुआ है। कितने लोग उत्तर प्रदेश के अंदर 21 से ज़्यादा लोग इसमें मर चुके हैं, बेचारे अपना जीवन गंवा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो उनको तो ये भी देख लेना चाहिए कई बार। अगर उनको ख़त्म करके और सरकारी संपत्ति को ख़त्म करके उसे ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये दोहरा रवैया है सरकार का, तो हम तो इसको मानते नहीं हैं। ख़त्म भी कर दिया गया है, उसमें नुकसान किसका हुआ है, तो ये मजाक है। और इस पर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने मजाक किया है इस समाज के साथ में, इस देश के लोगों के साथ में। मुसलमानों की अगर वो बात करते हैं तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि मुसलमान क्या अलग देश से आया हुआ है तो उसी देश का। जिस समय इस देश को आज़ादी मिल रही थी तो अशफाकउल्लाह खां वगैरह जितने भी लोग थे, उन्होंने अपनी क्रांतिकारी के माध्यम से, लड़ाई झगड़े के माध्यम से, इसमें समाज के हित में रहते हुए, देश के हित में रहते हुए इन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई थी। तो उनको ये देखना चाहिए कि मुसलमान कहाँ से आया है। कन्वर्टेड मुसलमान इस देश से अंदर बना है, ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर से आया हुआ मुसलमान है ये। अगर वो चाहते हैं कि मुसलमान बाहर से आया हुआ है, तो हमें ज़रा आप अपना भी खुद का भी तो प्रूफ दे दो, आप कहाँ से आए हुए हो। 1857 की क्रांति में तो आपका कोई योगदान ही नहीं था, अगर है तो मुझे बताइए कहाँ योगदान है आपका। इस देश के मुसलमानों का, इस देश के बहुजनों का, उनका ही योगदान रहा है। तो अगर इस बात को कहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो जाहिर सी बात है, और मैं तो असल में हालांकि देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे इंडिविजुअल प्रधानमंत्री नहीं है। अगर कोई उनके पक्ष में, अगर उनके विपक्ष की अगर मैं कोई बात करूं, और यही प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि मुझे आज का नौजवान गलत समझ रहा है, गलत साबित करना चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब आप गलत भी हो। अगर नौजवान आपको गलत साबित करना चाह रहा है तो आप गलत हो, साबित भी तो उसे किया जा सकता है जिसके खिलाफ कोई सबूत मिले। तो नौजवानों की इंडिविजुअल तो कोई लड़ाई नहीं है, खुद की लड़ाई है, वो शिक्षा की लड़ाई है, समानता की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, और एजुकेशन की लड़ाई है, इसके अलावा रोजगार की लड़ाई है, और कोई नरेंद्र मोदी जी से कोई व्यक्तिगत किसी की लड़ाई नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री हैं, हालांकि उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए, इसने इस बात पर सोचना चाहिए कि NRC और कैब को लेकर के जो बिल पारित किया है, तो हमें तो लगता नहीं है कि इस देश में कोई भी किसी भी प्रकार का ये संगठन वाली बात कर रहे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।